मंत्री तेज प्रताप यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का खंडन करते हुए कहा कि मेरी समझ ये है कि ऐसे बयान से नेताओं को बचना चाहिए, हर धर्म के प्रति सम्मान रखना चाहिए, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इंसान धर्म और उसी को फॉलो करना चाहिए। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि धर्म के किसी भी लाइन से बोलने से पहले थोड़ा बचना चाहिए इन चीजों से, और सबसे पहले कि इंसानियत धर्म बहुत बड़ा चीज होता है, इसलिए इंसान धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। हमारे सुझूर से तो यही लगता है। आपके पार्टी के विधायक हैं अजय यादव, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अयोध्या में बम ब्लास्ट भी करा सकती है और इल्जाम पाकिस्तान आतंकी पे डालेगी। देखिए, भाजपा है, आरएसएस है, नाथूराम गोडसे के वो लोग वंशज हैं, तो वो लोग कुछ भी करा सकते हैं। जब महात्मा गांधी को लोग नहीं छोड़े तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, बांटने के लिए, तो ये लोग तो हर डंडा केंद्र में बैठ के लोग अपनाने का काम किया है, और पूरी बिहार की जनता और खासकर पूरे देश की जनता देख रही है इन लोगों को किस तरह। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत गर्म है। जदयू की तरफ से कहा गया कि जदयू सभी सिटिंग सीट पर चुनाव लड़ेगी, वही जेडीयू की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस और राजद सीट शेयरिंग पर आपस में बात कर ले। वही कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा कर दिया। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान है। इसी मामले पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रतिक्रिया दी। नहीं है, सबसे पहले तो जो लोग ये बात कहते हैं उनको बताना चाहिए कि क्या वो एनडीए का स्वरूप स्पष्ट कर दिए हैं कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे उनके साथ और कौन कौन सीटों पर कौन लड़ेंगे। ये एनडीए ने स्पष्ट नहीं किया है, तो दूसरे पर बोलने से पहले उनको 100 बार अपने आप में झांक लेना चाहिए कि उनकी स्थिति कहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन स्मूथली 1-to-1 के आधार पर हम चुनाव लड़ने के प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, बातों का सिलसिला शुरू हो गया है। कल राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की बैठक हुई, आगे अन्य दलों की भी बैठक हो रही है, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र के अंदर जो एक दूसरे के बीच सहमति का बिंदु है उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और स्पष्ट रूप से जब आप स्वरूप सब कुछ सामने आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की जो सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम उन शक्तियों को वापस नहीं आने देंगे जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, मामला नहीं है। सबसे पहले तो जो लोग ये बात कहते हैं उनको बताना चाहिए कि क्या वो एनडीए का स्वरूप स्पष्ट कर दिए हैं कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे उनके साथ और कौन कौन सीटों पर कौन लड़ेंगे। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।